तभी ऐश्वर्या राय और सलमान खान के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम करने के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, फाइल फैल गई कि ऐश्वर्या और सलमान एक सीक्रेट निकाह किया है और एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपना लिया। हालांकि कपल के इस रूमर निकाह को लेकर कभी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अफवाहों का बाजार ये दावा करता रहा है कि शादी लोनावला के एक बंगले में हुई थी और इसमें करीबी 200 परिवार के लोग शामिल हुए थे। ये भी कहा गया कि सलमान और ऐश्वर्या के माता पिता शादी में शामिल नहीं हुए। रिपोर्ट्स में न्यूयॉर्क में हनीमून का भी जिक्र किया गया था, लेकिन ये दावे कभी साबित नहीं हुए और बाद में तो ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप भी हो गया। ऐश्वर्या ने फिर अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। इनकी एक बेटी आराध्या भी है, वहीं सलमान आज तक कुंवारे हैं। वहीं एक बार ऐश्वर्या ने सलमान संग अपने सीक्रेट निकाह के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी। दरअसल उस समय मीडिया से बातचीत के दौरान ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ अपने सीक्रेट निकाह को की अफवाहों को खारिज कर दिया। एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर वो शादी करेंगे तो पूरी इंडस्ट्री को इसके बारे में पता चल जाएगा। ऐश्वर्या ने कहा था, अगर ऐसा होता है तो क्या पूरी इंडस्ट्री को इसकी जानकारी नहीं होती? इंडस्ट्री इतनी छोटी जगह है, इसके अलावा मेरी माँ के एक्सीडेंट के बाद मेरे पास अपने परिवार के साथ बिताने का भी समय नहीं है। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ जो शादी ऐसी बड़ी बात को नकार दे। अगर ऐसा हुआ है तो मैं गर्व से दुनिया के सामने अपनी शादी अनाउंस करती। इसके अलावा शादी करने का समय कहाँ है, ये सब बिल्कुल बकवास है। कथित तौर पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय का 2002 में ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद उन्होंने दोबारा साथ में काम नहीं किया। वहीं 2012 में सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने इन्हें काफ़ी हद तक बंद कर दिया है, यानी कि मुझे लगता है कि मैं इसे किसी भी तरह से देखना नहीं चाहूँगी, खासकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहूँगी। ये पूछे जाने पर कि वो पास्ट के बारे में निगेटिव महसूस करती है, इस पर अभिनेत्री ने कहा था कि मैं अपना पास्ट को हटा दिया है, या अतीत की बात है और इसे वहीं छोड़ जाने की ज़रूरत है। मैं कोई अकेली आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे करीबी लोग, वो लोग आते हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनकी मैं बहुत परवाह करती हूँ, तो वहाँ एक क्लियर दीवार है। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन से फिर प्यार हुआ और उन्होंने अप्रैल 2007 में शादी कर ली थी। उन्होंने 2011 में अपनी बेटी आराध्या बच्चन का वेलकम किया था। फिलहाल आपके इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइव।